ओम शांति। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आशा है आपने कल जो सुना कुछ बातों पर विचार जरूर चला होगा। बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता की, जिसमें स्वयं भगवान ने हर मनुष्य आत्माओं की हर समस्या का हल बताया है, क्योंकि गीता एकमात्र आध्यात्मिक शास्त्र है और आध्यात्मिकता हर बात का हल रखती है। जो उसके नदी में गोते खाते हैं, जो उसके सागर की गहराई में जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं रह जाता, हर समस्या का समाधान मिल जाता है। और इसलिए हमने कहा आजीवा भाई बहनों को भी थोड़ा श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक पहलू को समझने की आवश्यकता है। चलते हैं पहले अध्याय की ओर। और इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। युवा भाई बहनों में कहीं कहीं पेशेंस की आवश्यकता ज्यादा होती है। हो सकता है आपको दो चार स्पीच सुनने के बाद कुछ काम की बातें न भी समझ में आए, फिर भी बने रहिए। और देखिए, गारंटी के साथ कहते हैं, आपका मनोबल ऊंचा होगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी परखने की शक्ति, आपके निर्णय करने की शक्ति और सभी शक्तियां भी बढ़ेगी, एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ेगी और आप निसंदेह अपने मंजिल की ओर सफलतापूर्वक अग्रसर होंगे और मंजिल पर पहुंचेंगे ही। विजय आपका इंतजार कर रही है। हम बात करते पहले अध्याय की और फिर दोबारा कहेंगे, रिक्वेस्ट करते आप सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए महत्वपूर्ण बातें लेकर हम रोज आ रहे हैं। अगर एक लाइन भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। पहले अध्याय में हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। अर्जुन ने तो बहुत दिनों से विद्वता हासिल की थी, महारथ बन गया था वो, धनुर्विद्या में उसने महारत हासिल कर ली थी ना, फिर भी युद्ध के मैदान में अपने आप को कमजोर फील करना। यहां देखिए दो बातें हमें दिखाई पड़ रही है। एक तरफ दुर्योधन, जिसने जब दोनों तरफ की सेना का निरीक्षण किया, पहले उसने अपनी सेना का निरीक्षण किया और उसमें जब वो देख रहा है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि इतने महारथी हैं, वो बहुत खुश हो गया। अब मेरी विजय को कोई टाल नहीं सकता है, मेरी विजय निश्चित है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। लेकिन इसके विपरीत अर्जुन, जिसके सामने कहते हैं ईश्वरीय शक्ति है, भगवान है, जिसके पास भी अनेक योद्धा थे, लेकिन उसने शत्रु पक्ष की ओर देखा, अपने पक्ष की ओर नहीं देखा, अपने पास जो उपलब्धि है उसको नहीं देखा, उसने शत्रु पक्ष की पॉजिटिविटी को देखा और फिर वो कमजोर पड़ गया। उसे लगने लगा ये तो मेरे अग्रज हैं, बड़े हैं, गुरुजन हैं, जिनकी बदौलत मैं बचपन में परवरिश लेकर आगे बढ़ा हूं, और इस प्रकार से उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया। ये दोनों की जो बातें हैं, दुर्योधन की और अर्जुन की, उनकी अपनी देख दृष्टि और अपनी समझ, अपना विश्वास जो वास्तविकता से बिल्कुल परे, यानी कहने का मतलब जहां भी कभी अपने जीवन में हमें
उदासी की झलक आवे, निराशा की झलक आवे, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मेरे पास उस कार्य को करने की जो नॉलेज है वो नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है। केवल नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है। कई बार व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूम रहा है, मैंने तो इतना पढ़ाई कर ली, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैंने तो इतनी डिग्री ले ली लेकिन मुझे इतना सम्मान नहीं मिल रहा। परंतु नॉलेज के साथ साथ विल पावर भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए, वैल्यूज भी चाहिए। उसके लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो उसका अपना मन है। संसार में देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अनेकों महान पुरुष सफल हुए, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल, जो बिल्कुल ग्राउंड से ही ऊपर उठे थे। किसी के पास धन की कमी थी लेकिन इच्छा शक्ति प्रबल थी, स्किल्स थी। किसी के पास किताबी नॉलेज भी नहीं थी, डिग्रियां भी नहीं थी, अच्छी अच्छी डिग्री लिए भी बिजनेस नहीं चला पाते, और आठवीं दसवीं कक्षा वाले भी कितना आगे बढ़ जाते हैं। कारण, सफलता के लिए केवल पढ़ाई नहीं चाहिए। कि मैं बहुत पढ़ा लिखा होता तो मैं बहुत ज्यादा कमाता, या मैं बहुत धनवान होता तो मेरे पास साधन बहुत अच्छे होते और मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता। स्किल्स चाहिए, वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज चाहिए अपने अंदर। इसलिए कहीं कहीं व्यक्ति को अपने मन की कमजोरियां ही उसको रोकती है। हमें क्या करना है? अपनी उस कमजोरी, जो अपने अंदर के शत्रु है, उसे मारना है। और उसी को मारने की तो ट्रेनिंग भगवान ने अर्जुन को दी ना। आज हम सभी अर्जुन हैं, आप भी अर्जुन बने और चलें अंतर जगत की यात्रा की ओर। व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं होती है, लेकिन उस समस्याओं का केवल मुश्किल से 5-7% व्यक्ति जान पाता है। 95% से भी ज्यादा व्यक्ति उसके रियलिटी को नहीं जान पाता है, और इसलिए उसके मन में द्वंद चलते हैं, उलझने चलती है, और फिर नकारात्मक कदम उठाता है। कुछ क्षण के लिए चलें अंतर जगत की ओर। जांच करें, आपने बचपन से लेकर अभी तक जीवन में कहीं भी सफलता प्राप्त की, किसी क्लास में पास होने में, स्वास्थ्य मेंटेन करने में, किसी खेल में पास होने में, किसी से संबंध बेहतर बनाए रखने में, कहीं भी आपने छोटी या बड़ी जो भी सफलताएं प्राप्त की, 3 बातों को लिखें। कब कब सफलता मिली और आपके किस किस गुण ने उस सफलता में सहयोग दिया, चिंतन कीजिए, लिखिए। और अब ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 कमी को लिखिए, अपनी कमी को। वो कमी सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और कार्य करने का तरीका हो सकती है। उस कमी के कारण कभी आपका मूड खराब हो या आपके द्वारा दूसरे का मूड खराब हो,
या कार्य बिगड़ जाए या संबंध बिगड़ जाए, चेक करें वो कमी, छोटी सी कमी नहीं है, एक बकेट में लगातार हम पानी भरते हैं, छोटा सा ही छेद होता है, वो छोटा नहीं है। लगातार उस छेद से बह रहा पानी बाल्टी को कभी भरने नहीं देता। पहचानिए अपने उस शत्रु को और लग जाए पीछे उस अपनी कमी को हटाने में। इसी के लिए ही तो भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया था ना, उठो अपनी गांडीव संभालो और युद्ध करो। युवा भाई बहनों, युद्ध किसी दूसरे से नहीं, बहसबाजी किसी दूसरे से नहीं, हमारा युद्ध अपने आप की कमजोरी से हो, अंदर के छुपे हुए शत्रुओं से हो, तो सफलता में हमें कोई रोक नहीं सकता। सफलता हमारा गले का हार है। आज आपको ये होमवर्क देते हैं, अपनी विशेषताओं को, जीवन के उन अमूल्य क्षणों को याद कर करके लिखें। कम से कम 5 को 7 को 10 को जो भी आप लिखें, कब कब मुझे जीवन में सफलता प्राप्त हुई और क्या क्या गुण उसके पीछे छिपे हुए हैं। ये गुण मेरी अमानत है, ये गुण मुझे भगवान के द्वारा दी गई गिफ्ट है। भगवान को भी थैंक्स दे, अपने आप को भी थैंक्स दे, प्रशंसा करें अपने आप की, वाह रे मैं। अपने घर के बड़ों को भी थैंक्स दे, अपने गुरुजनों को भी थैंक्स दे, अपने साथियों को भी थैंक्स दे। और अपनी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी असफलता के पीछे अपनी कमी को श्रेय दे, उसे मिटाना है। और मिटा कौन सकता है? युवा। उस कमी से मैं स्वतंत्र हो जाऊं, उस कमी की गुलामी से मैं स्वतंत्र हो जाऊं, तो बस मेरी उड़ान मेरे हाथ में, मेरी मंजिल मेरे हाथ में। सशक्त बने युवा भाई बहने, सशक्त बने, ये परमात्मा की आश ही नहीं, आप सभी के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास है उनका। आप उनके कुल के दीपक हैं, जलते हुए अंगारों पर तुम्हें शीतल जल बरसाना है। क्रोध के अंगारों में जल रही सारी दुनिया देखिए क्या हालत है, खूने नहे खेल के मोड़ पर सारा विश्व खड़ा है। जलते हुए अंगारों पर तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है, तुम्हें सारे जग को जगाना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर आपसे आग्रह करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर एक लाइन भी आपके काम की लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें।